नमस्कार दोस्तों दोस्तों मेरा नाम सचिन कुमार है और आज हम बात करेंगे कोरियन मंदिर्स के बारे में। तो दोस्तों जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है कोरियन मंदिर्स, तो हम इसमें कोरियन मेटल पर मंदिर का निर्माण करते हैं। जब भी हम कोरियन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले मन में सवाल यही आता है कि कोरियन है तो बहुत ही महंगा होगा। तो दोस्तों अब आप इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोरियन पे बनने वाले मंदिर बहुत महंगे होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। वीडियो में दिखाया गया प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो के दौरान आपकी स्क्रीन पर एक या दो कूपन कोड स्क्रीन पर डिस्प्ले होंगे जिनका इस्तेमाल करके आप 10% से लेकर 60% तक का डिस्काउंट बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा ये कूपन लिमिटेड समय के लिए ही अवेलेबल है और आप इनका सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वापस चलते हैं अपनी वीडियो पर। अब बात करते हैं कोरियन मंदिर कितने डिजाइन में अवेलेबल है। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूंगा हमारे पास 100 से अधिक कोरियन के मंदिर के डिजाइन्स अवेलेबल हैं और हम इन डिजाइन्स को आपके हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इन मंदिर्स को हमने तीन कैटेगरी में बांटा है, 2D, एंग्रेव्ड और 3D। अब बात करते हैं ये मंदिर किसकी साइज में अवेलेबल है। तो दोस्तों ये कस्टमाइज साइज में अवेलेबल है, हम इन मंदिर्स को आपकी पूजा रूम के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोरियन मंदिर किन किन थिकनेस में अवेलेबल है। तो दोस्तों कोरियन मंदिर 6 mm, 12 mm और 18 mm की तीन अलग अलग थिकनेस में अवेलेबल है। 2D मंदिर को आप 6 mm, 12 mm और 18 mm तीनों थिकनेस पर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा आपको कम से कम 12 mm की थिकनेस पे मंदिर जरूर बनवाना चाहिए, क्योंकि कोरियन बहुत ही नाजुक प्रोडक्ट होता है जिसकी वजह से 6 mm का मंदिर काफ़ी नाजुक होता है, टूटने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। अब एंग्रेव्ड मंदिर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों एंग्रेव्ड मंदिर 12 mm और 18 mm की थिकनेस में अवेलेबल है, इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से 12 mm या 18 mm की थिकनेस पर ले सकते हैं। अब बात करते हैं 3D मंदिर की। तो दोस्तों 3D मंदिर 12 mm और 18 mm दोनों थिकनेस में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ मैं आपको फिर से सजेशन देना चाहूँगा क्योंकि 3D मंदिर 2D और एंग्रेव्ड मंदिर के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है, इसी वजह से आपको इस मंदिर को कम से कम 18 mm की थिकनेस पर बनवाना चाहिए। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा 18 mm की थिकनेस पर यह मंदिर अत्यधिक सुंदर नजर आता है। 3D मंदिर में हम आपके पूजने भगवान की मूर्त कोरियन शीट पर आपको बना करके दे देते हैं। 3D मंदिर में हम भगवान की मूर्त को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से बनाते हैं। पॉजिटिव तस्वीर में आप बिना किसी बैकलाइट के इसे सामने से देख पाते हैं। इसके अलावा जो तस्वीर हम नेगेटिव के हिसाब से बनाते हैं उस तस्वीर में आप पीछे से जब लाइट डालते हैं तो यह इतनी सुंदर नजर आती है कि एक बार को आपको ऐसा लगता है कि जैसे स्वयं भगवान सामने से प्रकट हो गए हैं। अब हम इन मंदिर के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट यही है कि ये मंदिर रेडी टू यूज है, आप इन्हें हमारी वेबसाइट से परचेज करके डायरेक्ट अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। तो दोस्तों नेगेटिव पॉइंट यही है कि 6 mm पर बनने वाले मंदिर बहुत ही नाजुक होते हैं, इन्हें अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर अभी भी आपके मन में कोरियन मंदिर को लेकर के कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपको उसका जवाब दूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हम किस तरीके से 3D वॉल पैनल को अपने घर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।